और अगर आपने डिटेल लेवल अपने लिए देख लिया और अपने क्लाइंट के लिए देख लिया ना, तो आप $50 नहीं $100 तक भी कमा सकते हो। कि कैसे आप कस्टम रिपोर्ट बना सकते हैं एंड डैशबोर्ड बना सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में, जो भी डेटा अवेलेबल है गूगल एनालिटिक्स में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे एंड शॉर्ट वीडियो कंटेंट बनाता हूँ इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, फ्रीलांसिंग के ऊपर, कंसल्टिंग के ऊपर, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, रिमोट एजेंसीज के ऊपर, इंडिपेंडेंट लोकेशन के ऊपर। मैंने हाल ही में एक वीडियो लॉन्च की थी जिसमें मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी सारे डीएम्स आए, क्योंकि लोग मेरे को लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, वही लोग मोस्टली मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। एंड लोगों ने उस पर लिखा, कमेंट्स डाले कि सर हम ज़्यादा गूगल एनालिटिक्स को सीखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा ऑफकोर्स मेरे को और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए एंड ऐसा एक फीचर को एक्सप्लोर करना चाहिए जिसके बाद आप मार्केट फिट बन जाएं। मतलब अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आपको गूगल एनालिटिक्स आता है, तो ऑफकोर्स आपने मेरा बेसिक ट्यूटोरियल देखा होगा, जो कि जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आई बटन पर डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत बेसिक से बनाया, हिंदी में बनाया, क्योंकि ऑफकोर्स मेरा जो रीजनल लैंग्वेज है मैं उसी बनाता हूँ, क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू सपोर्ट माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू सपोर्ट जितने मेरे आसपास लोग हैं, या जो टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री स्टेट्स के लोग हैं जो इतने कंफर्टेबल नहीं होते इंग्लिश लैंग्वेज में। आई रियली वॉन्ट कि मैं उन तक अपनी आवाज पहुंचा सकूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट सपोर्ट, राइट? आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं तभी मैं डिटेल्ड वीडियोस बना पाता हूं। अब मैं आपसे सपोर्ट चाहता हूं कि आप, मैं जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं या जितने भी लिंक्स डालता हूं अपने डिस्क्रिप्शन पे, आप क्लिक कीजिए, आप उसको जाके परचेज कीजिए ताकि मेरे को कमीशन मिले। एंड सेम चीज मैं ये चाहता हूं कि आप आगे जाके मेरा कोहर्ट कोर्स भी ज्वाइन करें, जिसमें मैं 3 से 4 दिन लोगों के साथ बैठूंगा, 2 से 3 दिन उनको सिखाऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। पास्ट में मैंने किया था, वो बहुत सक्सेसफुल रहा था, तो आप भी कर सकते हैं। एंड आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में लिख देंगे दैट आई वांट टू लर्न गूगल एनालिटिक्स, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। एंड मैं खुद आपको पर्सनली ईमेल करूंगा जब भी ये स्टार्ट होगा कोहर्ट कोर्सेज। बट आज की वीडियो क्यों ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो में हम गूगल एनालिटिक्स में थोड़ा एडवांस जाने वाले हैं। क्योंकि जब भी आपसे कोई पूछता है कि गूगल एनालिटिक्स आता है, तो उसका सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आपको बेसिक सिर्फ ब्राउज करना आता है गूगल एनालिटिक्स को, बट वो ये समझना चाहता है कि क्या आप कस्टम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, क्या आप कस्टम डैशबोर्ड्स उनके लिए बना सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में। कस्टम रिपोर्ट्स का मतलब जो रिपोर्ट्स ऑलरेडी गूगल एनालिटिक्स में है, वो तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो भी मैंने फर्स्ट सीरीज बनाई थी, ऑफकोर्स उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां मैंने बताया था कि आप कैसे सर्व कर सकते हैं, एक्विजिशन की रिपोर्ट्स देखनी हो, बिहेवियर की रिपोर्ट्स देखनी हो, ई कॉमर्स की रिपोर्ट देखनी हो। बट कस्टम रिपोर्ट्स बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कॉम्बिनेशन में चीजें देखनी होती है। फॉर इंस्टेंस, आपने देखा कि आपके अपनी जो वेबसाइट था, या फिर आपने जो इंस्टाग्राम पेज बनाया था, या पर्टिकुलर अगर आप कोई क्लाइंट को सर्व करते हैं, उनका पर्टिकुलर पेज पे कन्वर्जन रेट ड्रॉप हो गया, कोई भी लैंडिंग पेज था उसका कन्वर्जन रेट ड्रॉप हो गया। तो बेसिक रिपोर्ट से आपको ये तो समझ आ गया कि कन्वर्जन रेट ड्रॉप हुआ है, बट कन्वर्जन रेट ड्रॉप क्यों हुआ, वाई? ऑफ कोर्स आप लोग बोलते होंगे ना, वाई वाई, बताओ यार, बताओ वाई, ये क्यों हुआ, कैसे हो रहा है। तो उसके लिए आपको कस्टम रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन में चीजें देख सकते हो। जैसे अगर आप, मैंने आपको बोला, हमने जो एग्जांपल यूज किया कि किसी पर्टिकुलर पेज का कन्वर्जन रेट ड्रॉप है, तो आप देख सकते हो कौन से डिवाइस से ड्रॉप है, कौन सी सिटी से ड्रॉप है। तो आप सिर्फ एक डायमेंशन डाल सकते हो प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स में, बट कस्टम रिपोर्ट्स में तो आप अप टू 5 डायमेंशन बना सकते हो एंड मल्टीपल मैट्रिक्स में चीजें देख सकते हो। अप टू 5 का मतलब कौन से डिवाइस आया, उस सिटी का कौन सा डिवाइस था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, कौन सा ब्राउजर था, आप सब कुछ एकदम डिटेल लेवल पर देख सकते हो। और अगर आपने डिटेल लेवल अपने लिए देख लिया और अपने क्लाइंट के लिए देख लिया ना, तो आप $50 नहीं $100 तक भी कमा सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं कितना कमाता हूँ, लेकिन मैं ठीक ठाक सा पैसा कमा रहा हूँ, मेरे साथ 8-10 लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ मैं यही काम करता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग, इंप्लीमेंटेशन, कस्टमर की जो रिपोर्ट्स होती है, या फिर जो डैशबोर्ड्स बनते हैं वो कैसे बन सकते हैं, तो मैं सब बेसिक चीजें यही करता हूँ। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करके, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे को ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा करना है, तो आपको समझ आ सके कि कैसे गूगल एनालिटिक्स को अच्छे से यूज किया जाता है। हिंदी में होने वाला है, मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलूंगा, वहां दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप कस्टम रिपोर्ट बना सकते हैं एंड डैशबोर्ड बना सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में, जो भी डेटा अवेलेबल है गूगल एनालिटिक्स में। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर।
अगर अभी तक आपको आइडिया नहीं है कि गूगल एनालिटिक्स का बेसिक वर्जन क्या होता है, कि बाकी जो रिपोर्ट्स है, जो प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स होती हैं गूगल की, जैसे ऑडियंस एक्विजिशन बिहेवियर, ई कॉमर्स और जो रियल टाइम का जो डेटा होता है, अगर आपको उसके बारे में समझना है, और अगर आपको एडवांस समझना है, उससे पहले भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मेरे ऊपर दिए गए आई बटन में मैंने एक बेसिक गूगल एनालिटिक्स का ट्यूटोरियल बना रखा है, आप उसको जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि गूगल एनालिटिक्स होता क्या है, बेसिक रिपोर्ट्स कैसे होती हैं, तो आपको कस्टम रिपोर्ट बनाने में बहुत मुश्किल होगी, या मैं एज्यूम करूंगा कि कस्टम रिपोर्ट बनाने और समझनी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज मैं उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी पहली ट्यूटोरियल वीडियो। ये है मेरा पार्ट टू गूगल एनालिटिक्स ट्यूटोरियल का, जिसमें हम सीरीज में बात करेंगे कि कैसे गूगल एनालिटिक्स चलता है, गूगल एनालिटिक्स में कैसे कस्टम रिपोर्ट बनती है, कैसे डैशबोर्ड बनते हैं, एंड लास्ट में हम ये सीखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स में डेटा एनालाइज कैसे किया जाता है। सो दिस इज द पार्ट टू, जहां पे हम ये सीखेंगे कि कस्टम रिपोर्ट्स कैसे बनाई जाती हैं, डैशबोर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, एंड गूगल एनालिटिक्स में कस्टम रिपोर्ट बनाने की नीड क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कस्टम रिपोर्ट बनाने की नीड क्या होती है गूगल एनालिटिक्स में। क्यों लोग इतना ज्यादा कहते हैं कि आपको कस्टम रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि सब कुछ तो गूगल ने दे रखा है। मतलब अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो देखेंगे जहां हमने एक्विजिशन रिपोर्ट्स के बारे में, बिहेवियर रिपोर्ट्स के बारे में, कन्वर्जन रिपोर्ट्स के बारे में बात करी है, तो मोर ऑर लेस आपको सारा डेटा 60-70% डेटा वही मिल जाता है। तो हमें क्या जरूरत है कस्टम रिपोर्ट्स की? मनीष हमें तो नहीं सीखनी, हम तो बेसिक सीख लेंगे। ग्रेट, अगर आपको लगता है कि आपका 60-65% का जो डेटा ऑलरेडी गूगल ने दे रखा है उससे काम बन जाता है, ग्रेट, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप डायरेक्टली अपना बेसिक का जो गूगल एनालिटिक्स का ट्यूटोरियल है वो देख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको गूगल एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना है, गूगल एनालिटिक्स में फ्रीलांस करना है, $10, $20, $50, $100, $500 पर आवर, मैं ऊपर स्नैपशॉट्स में दिखा दूंगा टॉप के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है अपवर्क और फाइवर में, और आप जाके भी चेकआउट कर सकते हैं लोग कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं गूगल एनालिटिक्स का। एंड मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं भी गूगल एनालिटिक्स का ही यूजर हूं और मैं गूगल एनालिटिक्स ही लोगों को सिखाता हूं। मैंने जो अपना फ्रीलांस और कंसल्टिंग करियर स्टार्ट किया था वो डिजिटल एनालिटिक्स, मतलब वेब एनालिटिक्स से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये पता था कि लोगों में डिमांड और सप्लाई का गैप है। बाहर तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इंडिया में अभी भी बहुत कम यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं, ऑफकोर्स आप मेरे इंडियन यूजर्स हैं, इंडियन फ्रेंड्स हैं, इंडियन फैमिली हैं, इंडिया में ई कॉमर्स का बूम आ चुका है और ये अगले 10 साल तक और ज्यादा बढ़ेगा। सेकेंड, अगर ई कॉमर्स का बूम आया तो ई कॉमर्स चलता है डेटा के ऊपर, एंड डेटा एनालिटिक्स इंडिया में अभी बहुत नया है। आई एम टेलिंग यू, इंडिया में डेटा एनालिटिक्स बहुत नया है। उसका रीजन, मैं डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से हूँ और मैंने पूरा एवोल्यूशन देखा है कि कैसे डेटा एनालिटिक्स चेंज हुआ है। अभी भी मैं कह रहा हूँ लोगों को डेटा एनालिटिक्स नहीं आती है। मैं अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेता हूँ जिनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आज भी समझा नहीं पाते डेटा एनालिटिक्स को अच्छे से। बट जो लोग मेरा कोर्सेज ले लेते हैं, जो लोग मेरे गूगल एनालिटिक्स से ट्यूटोरियल देख लेते हैं पूरे डिटेल में, एटलीस्ट उनको बेसिक सा आइडिया हो जाता है टेक प्लेटफॉर्म्स का। तो अब हम अपने वीडियो को ज्यादा लेट नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी यूजली ट्यूटोरियल्स बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। मेरे को एक दो बार डीएम्स भी आ चुके हैं कि सर आप ट्यूटोरियल बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत डिटेल बनाते हैं, बट सर बहुत लंबा हो जाता है। आज की वीडियो को हम ज्यादा लंबा ट्राई करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मैं क्या करूं, जब मैं लोगों से बात करने बैठता हूं, जब मैं लोगों को समझाने बैठता हूं, जब मैं लोगों को कुछ पढ़ाने बैठता हूं, तब मैं टाइम का नहीं देखता। वैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो किसी को समझाने से पहले टाइम जरूर देखते रहते हैं, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, बट मेरे को ये लगता है कि मैं जितनी ज्यादा लोगों को वैल्यू देख सकता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू, मैं जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूँ वो उतना बेटर है। एंड मैं जितना ज्यादा कंटेंट उनके लिए बुलाऊंगा तभी उनको समझ आएगा कि वो अपनी लाइफ अर्निंग कैसे कर पाएंगे। क्योंकि मेरा सिर्फ एम ये नहीं है कि वीडियोस आपने देखी एंड मैंने वीडियो से पैसा कमाया, आपने कुछ लिंक्स पे क्लिक कर दिया जो मेरी एफिलिएट मार्केटिंग हो गई एंड आई एम हैप्पी। नहीं, मेरे को ये है कि यस ऑफकोर्स हम मेरी वीडियो को डिटेल में देंगे, मेरे को वीडियो से पैसा भी मिलेगा, एफिलिएट मार्केटिंग भी करूंगा, लिंक्स भी आएंगे, बट मैं ये चाहता हूं कि आप अपने लिए अर्निंग स्टार्ट कर पाए। इसीलिए मैं बहुत सारे डिटेल वीडियोस भी बनाता हूं फ्रीलांसिंग के ऊपर, कंसल्टिंग के ऊपर, ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। तो अगर हम कस्टम रिपोर्ट की बात करें तो कस्टम रिपोर्ट का मतलब होता है कि जिसमें आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना सकते हो डायमेंशन और मैट्रिक्स के। जैसे एग्जांपल हम यहाँ टाइटल दे देते हैं, एग्जांपल टेस्ट 1, नाम दे देते हैं इसका टेस्ट मनीष, ठीक है जी। मैट्रिक एग्जांपल हमें देखना है कि हमारे जो एक पर्टिकुलर पेज है मोबाइल डिवाइस से उसमें कितना ट्रैफिक आता है, यूजर्स कितनी ट्रांजैक्शंस आई, कितना कन्वर्जन रेट आया,
एंड या हम देना चाहते हैं कि मेरा कौन सा एग्जांपल डिवाइस था, क्योंकि पहले जानना चाहते हैं ना कौन से मोबाइल में कौन से पेज ज्यादा अच्छे कन्वर्ट हो रहे हैं, कौन से पेज कन्वर्ट नहीं हो रहे। फिल्टर्स हम नहीं लगा रहे हैं अभी के लिए क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं पहले आपको बेसिक कस्टम रिपोर्ट बनाने सिखा रहा हूँ। अगर हम इसको सेव करते हैं, यस, तो अगर हम प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स की बात करें तो एक प्री डिफाइंड रिपोर्ट होती है जिसमें आपको इसे पता लगता है कि मेरे डेस्कटॉप से कितने यूजर्स आए, कितनी ट्रांजेक्शन हुई, कितना कन्वर्जन रेट हुआ, बट ये नहीं पता लगता है कौन सा पेज से हुआ उस प्री डिफाइंड रिपोर्ट में। उसके लिए आपको कस्टम रिपोर्ट ही बनानी पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा डेस्कटॉप का जो होम पेज है उसका कन्वर्जन रेट है 0.84, मोबाइल का जो होम पेज था उसका कन्वर्जन रेट है 0.44। तो आपको समझ आएगा कि मेरा जो डेस्कटॉप का कन्वर्जन रेट है वो ज्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स वहाँ ट्रैफिक भी ज्यादा आ रहा है, कन्वर्जन रेट भी ज्यादा हो रहा है, तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो चीजें। डेस्कटॉप की कन्वर्जन रेट मतलब डेस्कटॉप का जो पेज का एक्सपीरियंस है मैं उसको एनहेंस करता रहा, क्योंकि पता है कि यहाँ से मेरा मेन पैसा आ रहा है, लोग यहाँ से कन्वर्ट हो रहे हैं। बट आज के डेट में मोबाइल सब कुछ हो चुका है, लोग जितनी रिसर्च करते हैं मोबाइल पे करते हैं, एंड अगर आपकी मोबाइल से बुकिंग नहीं आ रही दैट मीन्स यू आर मिसिंग अ बिग टाइम अपॉर्चुनिटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज योर मोबाइल एक्सपीरियंस एज वेल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ डेस्कटॉप। मतलब आपको अपने मोबाइल एक्सपीरियंस को भी इनहेंस इतना ज्यादा करना है कि वहां से भी सेम अमाउंट ऑफ कन्वर्जन रेट आना स्टार्ट हो जाए। तो जस्ट इमेजिन अगर आप 234 ट्रांजेक्शन्स डेस्कटॉप से लेते हैं, सिर्फ 32 ट्रांजेक्शन लेते हैं मोबाइल से, अगर ये 32 कल को 200 हो जाए अप्रॉक्सीमेटली, तो आपका बिजनेस ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, राइट? तो सेम चीज है कि इस बिजनेस को डबल करने के लिए आपको एनालिटिक्स का यूज करना है, कॉम्बिनेशन में रिपोर्ट्स देखनी है। ऑफकोर्स इसमें आप और भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, अभी हमने ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं लगाया है। एग्जाम्पल में देखना हो कि हाँ कौन से डिवाइस से, मैं आपको इनफैक्ट करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा, तब आप बोलोगे अरे मनीष आपने तो बस ऊपर ऊपर से बता दिया। अब आप देने जाते हैं कौन सी सिटी से आया, क्योंकि ये सिर्फ अगर मैं दो डायमेंशन यूज करूंगा तो आप तो बोलोगे मनीष ये तो सेकेंडरी डायमेंशन में भी आ सकता है, हम क्यों यूज करें कस्टम रिपोर्ट, आपने तो बोल दिया कस्टम रिपोर्ट यूज कर लो। बट अब हम इसमें और भी डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, एंड वी कैन ऐड 5 मोर डायमेंशन, मतलब टोटल 5 हो जाती है, जैसे हमने 3 यूज कर लिया। तो जैसे मैं आपको 3 से समझाता हूँ। अभी तक हमने बात किया था कि डेस्कटॉप के होम पेज का 0.84 था एंड मोबाइल का जो होम पेज था वो 0.44 समथिंग कुछ था, ठीक है? अब हम देखते हैं कि अगर हम डेस्कटॉप के होम पेज पे हैं तो कौन सी सिटी सबसे बेटर है। जैसे आप ये देख सकते हैं डेस्कटॉप की होम पेज की जो सिटी है न्यूयॉर्क, उसका है 2.34%। तो जस्ट इमेजिन ओवरऑल था 0.84, सिर्फ न्यूयॉर्क का है 2.34, एंड ऐसे ही अगर डेस्कटॉप होम पेज का देखेंगे लंडन का तो देखोगे सिर्फ 0.21%। तो दिस इज अलार्मिंग कि हमारा जो न्यूयॉर्क सिटी है उसका ओवरऑल कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा था, ऑफ कोर्स हमारा वहां का एक्सपीरियंस अच्छा है, बट डेस्कटॉप का जो लंदन का है उसका एक्सपीरियंस बहुत कम है, इसलिए हमें सिर्फ 0.21% कन्वर्जन रेट आया। सो यही वो चीज है जिसको आप बता के $10, $20, $50, $100, $500 कमा सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस फ्रॉम योर क्लाइंट। एजेंसी भी खोल सकते हैं मेरी तरह, एंड अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बेसिक चीज समझ आ जाएगी कि जैसे ओवरऑल रिपोर्ट में जो मेरे को नंबर आ रहा था वो कितना डिफरेंट था, एंड जब मैंने कस्टम रिपोर्ट बनाई तो मेरे को समझ आया कि न्यूयॉर्क कुछ चल रहा है, लंदन अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, परफेक्ट। तो आप ये मल्टीपल रिपोर्ट बना सकते हो, इसमें कोई भी वो नहीं है, लिमिट नहीं है कि आप कितनी रिपोर्ट बना सकते हो। ऑफकोर्स डायमेंशन ऑफ मेट्रिक्स की लिमिट है, डायमेंशन ऑफ 5 यूज कर सकते हो, मेट्रिक्स ऑफ 10 यूज कर सकते हो, ऑफकोर्स उसमें और भी आप मेट्रिक्स को यूज कर सकते हो, बट डिफरेंट सेट्स बनाने पड़ेंगे, वो और ज्यादा एडवांस हो जाएगा, बट उसकी हम बात करेंगे। बट अगर मैं आपने ये बेसिक कस्टम रिपोर्ट बनाने सीख ली, आप जो 60-70% अभी तक आपको समझ आया था प्री डिफाइंड से, आपको 20-30% और समझ आ जाएगा, क्योंकि टोटल अगर आपको गूगल एनालिटिक्स सीखना है तो उसके लिए तो ऑफकोर्स आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, बट मेरे ट्यूटोरियल से आपको 80-90% चीजें समझ आ जाएगी, क्योंकि आपका बेसिक जो फ्रीलांसिंग है या बेसिक जो काम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड्स के ऊपर कि डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि डैशबोर्ड कैसा लगता है एंड उसके ऊपर कैसे बनाना है वो भी देखें। तो जैसे आपने देखा कि डेस्कटॉप यूजर्स कितने हैं, मोबाइल यूजर्स कितने हैं, टेबलेट यूजर्स कितने थे, उन सबका कैटेगरी क्या थी, कहाँ से मेरे को ज्यादा रेवेन्यू आया था, रेवेन्यू पर यूजर कितना था, एंड ऑफकोर्स कौन सी ज्यादा एक्टिव है, एंड यूजर्स क्या थे, पेज व्यूज क्या थे, तो आपको हर चीज का एक स्प्लिट मिल सकता है, राइट? अब अगर हम बात करते हैं कि मनीष ये तो हमें समझ आ गया कि आपने बहुत अच्छा विजुलाइजेशन करके दिखा दिया, अभी तक तो हम सिर्फ नंबर्स देख रहे थे, रोज कॉलम देख रहे थे,
बट अब हमने ग्राफ देख रहे हैं, स्प्लिट देख रहे हैं, कैटेगरी देख रहे हैं, अच्छा लगता है। क्योंकि मोस्टली जब भी हम किसी से भी बात करते हैं तो हर इंसान बोलता है कि आपको डैशबोर्ड बनाना आता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग डैशबोर्ड बनाना सिखाते नहीं, और सिखाते हैं तो बहुत ज्यादा महंगा चार्ज करते हैं, या फिर उनका जो ट्यूटोरियल होता है वो बहुत ही वाइड होता है एंड हमें समझ नहीं आता। तो हम बहुत जल्दी में समझेंगे कि डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है गूगल एनालिटिक्स में। जैसे एग्जाम्पल, हमने एक ब्लैंक कैनवस बनाना है एंड कैनवस का नाम है टेस्ट टू मनीष, ठीक है जी, क्रिएट डैशबोर्ड। अब हमने बनाया पहला विजिट, एग्जाम्पल यूजर्स बाय डिवाइस। अब मैं चाहता हूं कि इसमें आए मेरा लेट्स से यूजर्स बाय मंथ, जब इसमें टाइम लेना है मेरी कैसे रेगुलर बेसिस में ऊपर नीचे हो रहा है, अच्छा लगता है ना आपको। मेट्रिक डाला हमने यूजर्स, यूजर्स यहाँ हमने कुछ नहीं किया और हमने कर दिया सेफ। ओहो मनीष, फाइनली वो ग्राफ्स आ गए, वो ट्रेंड्स आ गए जिसको हम देखने के लिए सोच रहे थे कि हम कैसे देखेंगे। तो ये आ गया पहला विजिट। ऑफ कोर्स जैसे मैंने और विजिट्स हम ऐड करेंगे, जैसे अभी हमने मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया वो भी देख सकते हैं। जैसे अब हम नेक्स्ट करेंगे, अब हमें देखना है यूजर्स बाय डिवाइस, अब आपको देखना है स्प्लिट। अब आपने करेंगे, अब आप करोगे टेबल कि हाँ मेरे कैसे यूजर्स कौन कौन से डिवाइस से आ रहे हैं। यहाँ आप करोगे डायमेंशन, टेबलेट से है, डेस्कटॉप से है, कहाँ से है। यहाँ से आपने किया यूजर्स, अब आपको देखना है कि मेरा शेयर जो टेबल जो मैं शेयर करूंगा वो सिर्फ 5 रोज का होना चाहिए, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता 10 का या 20 का, वट एवर। ओके, तो ये आ गया आपको यूजर्स बाय डिवाइस कि मेरे को डेस्कटॉप से कितने यूजर आ रहे थे, मोबाइल से कितने आ रहे थे, टेबलेट से कितने आ रहे थे, परसेंटेज चेंज दिख गई। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि अच्छा मेरे डेस्कटॉप का यूजर कैसा चल रहा है, तो आप बता सकते हो अच्छा 6% का इंक्रीज है, टेबलेट का कैसा चल रहा है, टेबलेट में 8% इंक्रीज है, ठीक है। अब हम एक और ऐड करके दिखाऊंगा मैं आपको विजिट, जैसे एग्जांपल यूजर्स बाय जियोग्राफी, ठीक है जी, हम करेंगे इसे पाई चार्ट। पाई चार्ट होता ना गोल गोल सा, स्कूल में सिखाते थे, तो हम वो बनाने वाले हैं। तो इसका हो गया यूजर्स, यूजर्स ग्रुप बाय डायमेंशन, लेट्स से हम सिटी करते हैं इसको, या चलो कंट्री कर लेते, कंट्री। कितने देखने स्लाइस, मेरे हिसाब से 5 बहुत है, चलो 5 देख लेते, आप 10 कर लेना। सॉरी, या सो नाउ यू कैन सी यूएस 48%, मेजर पोर्शन मेरा यूएस से है, जितना ट्रैफिक आ रहा है यूएस से आ रहा है, फिर आ रहा है इंडिया से अप्रोक्सीमेटली 83 पॉइंट कितना है जितना भी है 8.7, फिर आ रहा है कनाडा से, फिर आ रहा है यूके से, फिर आ रहा है स्पेन से, एंड ये है अदर्स। अदर्स का मतलब बाकी जितनी कंट्रीज जो मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने इसमें टॉप 5 सेलेक्ट किया था। तो ऐसे आप एक बेसिक सा डैशबोर्ड बना सकते हो, बहुत सारे डैशबोर्ड बना सकते हो, जितना भी आप डैशबोर्ड सोच सकते हो माइंड में वो बना सकते हो, डिवाइस का बना सकते हो, पेज लेवल का बना सकते हो, ब्लॉग का बना सकते हो, वेबसाइट का बना सकते हो, ई कॉमर्स का बना सकते हो, एंड ऑफ कोर्स प्री डिफाइंड डैशबोर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो, जिसका लिए आपको मेरा बेसिक ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा कि कैसे गूगल ने कुछ बेसिक बना रखे हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं सबके लिंक्स आपको अपने डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कस्टम रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, मल्टीपल डायमेंशन लेके दिखाया आपको मैंने, कि कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कैसे डैशबोर्ड बनाया, डैशबोर्ड कितना अच्छा बन सकता है, विजुअलाइजेशन कितनी अच्छी हो सकती है। थोड़ा लिमिटेड है, बट अगर बेसिक आप गूगल एनालिटिक्स समझ गए एंड गूगल एनालिटिक्स की आप कस्टम रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाना सीख गए, तो आप 95% लोगों से आगे हो जाओगे। ट्रस्ट मी, आज की डेट में भी जो लोग कहते हैं कि उनको गूगल एनालिटिक्स आता है, एक्चुअली में उनको गूगल एनालिटिक्स नहीं आता है। अगर आपको मेरा डिटेल ट्यूटोरियल अच्छा लगा, औरत तक भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि आज की डेट में गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें स्मॉल बिजनेस ओनर, मीडियम बिजनेस ओनर, क्लाइंट्स, बड़े कंपनीज, फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट, अपनी जॉब में, हर जगह आपको यूज होगा। एंड डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप डेटा नहीं समझ सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंड आज के डेट में डिजिटल का मतलब गूगल है, एंड गूगल का मतलब सिर्फ गूगल एनालिटिक्स है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा एक और बेसिक वर्जन था जो मैंने गूगल एनालिटिक्स का बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अगर आपको लगता है कि इसका कोर्स करना चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है, मैं कोर्स का लिंक भी नीचे डाल दूंगा, फाइवर से है जिसका मैं एफिलिएट मार्केटर हूं, एंड आई विल गेट सम कमीशन अगर आप उसको क्लिक करेंगे। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत एडवांस ट्रेनर है, उस ट्रेनर से मैं पर्सनली खुद मिला था जब मैं लंदन गया था, मैंने लंदन में कुछ टाइम बिताया था, तब मेरे को एक इवेंट के थ्रू वो मिले थे, एंड जब मैंने उनका कोर्स देखा था तो मैंने पर्सनली उनका कोर्स लिया था अपना फ्रीलांस को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।